हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है पीसीबी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में। आज मैं आपको दिखाता हूँ एसटीके 4141 एम बोर्ड। इसकी हम आज अनबॉक्सिंग एंड वायरिंग दोनों करेंगे। मैं आपको इसकी साउंड भी चेक कराऊंगा। देखिए, जैसे कि हमारा ये बोर्ड जो है, इसमें एक एसटीके 4141 की सेकंड, इसमें एक खाली एसटीके 4141 की आईसी आती थी, ये सेकंड जनरेशन निकली है इसकी। इसके आगे देखिए 2 रोमन नंबर्स में 2 भी लिखा हुआ है। तो इसमें आपको जो है चार, इसमें पहले तो जैसे कि देख पा रहे हैं आप, चार इसमें ये मिल जाते हैं आपको, जिससे कि आपका जो स्पीकर है और जो पावर सप्लाई है, आईसी है, ये ना फूके, इसलिए आपको इसमें ये दे जाते हैं। और इससे पीछे की बात कर लेते हैं हम। इसका जो ये मेरे को बोर्ड है, बहुत पसंद आया, क्योंकि इसकी वॉल्यूम साउंड क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। मैंने जैसे इसको पहले यूज़ कर रखा है। और आपको अगर ये चाहिए तो मैं नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में इसका दे दूंगा। बहुत ही कम रेट पे अवेलेबल है, आप वहाँ से इसको परचेज़ कर सकते हैं। जैसे कि हम पीछे इसकी ये तीन वायर जो देख रहे हैं, रेड ब्लैक ब्लैक, ये है इसकी पावर सप्लाई की वायर। इसमें जो है एसी करंट जाता है, क्योंकि इसमें देखिए डायोड लगी हुई है, एसी तो डीसी की, तो इसमें जो है एसी करंट जाता है। मिनिमम इसमें हम 12 वोल्ट दे सकते हैं और मैक्सिमम जो है 24024 दे सकते हैं। तो आज मैं आपको इसमें 18018 लगा के दिखाऊंगा। और जैसे कि हम इसमें यहाँ देखते हैं, तो इसमें दो स्पीकर के अलग अलग वायर दी गई हैं। ये जो येलो और ग्रीन वाली वायर हैं, ये दो स्पीकर की हैं। और जो ये वाली वायर दी गई है, इसमें लेफ्ट और राइट चैनल है ये साउंड के लिए, जैसे कि हमारी इनपुट होगी साउंड की। चलिए हम इसकी वायरिंग करते हैं। चलिए हम पहले ये हमारा 18018 का, जैसे आप देख पा रहे हैं, 5 एम्पियर का ट्रांसफार्मर है। ये हम इसमें लगाएंगे और मैं आपको चेक करा के पूरा दिखाता हूँ कैसे लगाना है। जैसे कि आप इसमें देख पा रहे हैं, इसकी तीन वायर है। इन तीन वायर को इसके अंदर अभी इसमें 18018 में इसमें भी ज्वाइंट करते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसमें जो ये इसकी ब्लू वाली वायर है, ये इसकी ग्राउंड वाली है, इसके ब्लैक में चली गई है। और जिसकी रेड वाली वायर है वो 18 की है, और जो ये वाली वाइट रेड वाली वायर है वो इस वाली वाइट के 18018 में चली गई है। तो जरा तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी ये वायरिंग कर दी है। अब इसमें हम स्पीकर के वायर, तो देखिए मैं सब वूफर चला के दिखाऊंगा। इसमें ये 1000 वाट का सब वूफर है, जैसे कि आप देख सकते हैं इसको, इसकी काफ़ी हैवी मैग्नेट इसमें लगी हुई है। तो मैं आपको ये भी टेस्ट करा के दिखाता हूँ। इसके हम स्पीकर के वायर भी लगा देते हैं। स्पीकर के जैसे दो वायर ये थी, इसकी कोई इसका जो येलो वाला वायर है वो आपका प्लस वायर है, और जो ग्रीन वाला वायर है वो आपका माइनस वायर है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी भी वायरिंग आपको दिखा दी है। अब हम इसमें इनपुट, तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने सारी वायरिंग कर दी है। इसकी स्पीकर की जो वायर है वो इसके एक चैनल में दे दी है मैंने, और इसके जो ये इनपुट थी इसमें मैंने ऑक्स लगा के ये मोबाइल में लगा दी है। और इसकी जो तीन वायर इनपुट की थी, ये भी मैंने लगा दी है 18018 में। और ये मेरा बोर्ड है, इसमें मैं इसकी पावर सप्लाई कर देता हूँ। आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, मैं दिखा देता हूँ। ये देखिए, तो देखिए फ्रेंड, मैंने यहाँ पे सारी वायरिंग कर दी है। ये मैंने मोबाइल में, ये फ्रेंड्स मैं ऐसे गाना चालू करता हूँ। बेस जो है बहुत ही अच्छी आ रही है। देखिए फ्रेंड, जैसे कि मैंने आपको दिखा दिया, इसकी वॉल्यूम जो बहुत अच्छी वॉल्यूम इसकी आ रही है। ये तो मैंने जैसे आपको रिमिक्स चला के दिखाया, मैं आपको इसमें एक सिंपल गाना चला के दिखाता हूँ इसकी वॉइस कैसे आएगी।